हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर योगेश मडगुलवार। हर साल हम 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। इस साल भी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है। इस साल का थीम है हर घर आयुर्वेद, मतलब हर घर तक हमें आयुर्वेद पहुंचाना है और डेली लाइफ में आयुर्वेद यूज़ करना है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का औचित्य देखते हुए हम आज सुवर्ण सिद्ध जल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सुवर्ण सिद्ध जल का मतलब क्या है, सुवर्ण सिद्ध जल बनाने की विधि क्या है, उसके इंडिकेशंस क्या है और उसके हेल्दी बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में। पुराने ज़माने में हम जो कुछ जल सेवन करते थे वो कॉपर वेसल या अर्दन पॉट में स्टोर करके रख के यूज़ करते थे। अभी के ज़माने में आप फिलहाल हम प्लास्टिक बॉटल्स ही वाटर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के जो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है हेल्थ के ऊपर वो सब आप जानते हैं। प्लास्टिक इज़ वेरी डेंजरस टू हेल्थ। तो सुवर्ण सिद्ध जल एक कंसेप्ट, हेल्दी कंसेप्ट है, जिसमें हम सोने को पानी के साथ उबालते हैं और उबाला वाला पानी हम दिन भर सेवन करते हैं। क्योंकि अग्नि संस्कार एक इम्पॉर्टेंट संस्कार आयुर्वेद में बताना है, कोई भी संस्कार करते हैं तो उसका हमारे शरीर पे डीप लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें अग्नि का संस्कार होता है, जो कुछ सुवर्ण है उसका जल के ऊपर संस्कार होता है, तो सुवर्ण सिद्ध जल इस तरह बनता है। तो पुराने ज़माने में जो कुछ राजा थे वो सोने के बर्तन में खाना खाते थे, उसके अलावा जब वो बीमार पड़ते तभी वो सुवर्ण औषधि का इस्तेमाल करते थे। तो सुवर्ण सिद्ध जल किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में देखने से पहले सुवर्ण के गुणधर्म हम देख लेते हैं कि आयुर्वेद में सुवर्ण के गुणधर्म क्या बताए हैं। सुवर्ण मतलब जिसका वर्ण सुंदर है, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर का बल बढ़ता है, कांति बढ़ती है, आयुष्य बढ़ता है, उसे सुवर्ण कहा है। तो सुवर्ण के गुणधर्म आयुर्वेद में इस तरह बताए हैं, सुवर्णम स्वादु हृदयम च ग्रहणीयम रसायनम दोष त्रयाभम चक्षुषम विषशूदनम। मतलब सुवर्ण हमें कार्डियक प्रोटेक्टिव बेनिफिट देता है, उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करता है और जो कुछ हमारे शरीर में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा सुश्रुत सूत्र स्थान में बताया है। उसके अलावा निघंटु रत्नाकर सुवर्ण के गुणधर्म बताते हैं, कानकम सेवनम नित्यम जरा मृत्यु विनाशनम दृढ़ कायाग्नि कारणम। मतलब सुवर्ण का हम नित्य सेवन करते हैं तो हमें एक्सीडेंटल डेथ का भय नहीं रहता, उसके अलावा हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, ऐसा निघंटु रत्नाकर बताते हैं। तो आप जान लेते हैं सुवर्ण सिद्ध जल किस तरह बनाते हैं उसके बारे में। सुवर्ण सिद्ध जल बनाने के लिए हमें 24 कैरेट का सोने का पत्रा लगेगा, या अंगूठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लॉकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सब में पत्रा रहा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पत्रा का सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है तो वो वाटर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आएगा, इसलिए सुवर्ण के जो कुछ गुणधर्म है वो वाटर में ट्रांसफर हो जाएंगे और अच्छे क्वालिटी का सुवर्ण सिद्ध जल हमें सेवन करने के लिए मिलेगा। सुवर्ण सिद्ध जल आप सुबह एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो वो जल आप दिन भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुवर्ण सिद्ध जल में जो कुछ सोना इस्तेमाल होता है उसमें सोने का किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है सालों तक। तो आप सुवर्ण सिद्ध जल कौन सेवन कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सभी व्यक्ति सुवर्ण सिद्ध जल का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन, उसके अलावा डिलीवरी के बाद भी माताएं भी सुवर्ण सिद्ध जल का सेवन कर सकते हैं। तो सुवर्ण सिद्ध जल के फायदे आप जान लेते हैं। सुवर्ण सिद्ध जल सेवन करने से हमें कार्डियक प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उसके अलावा हमारे शरीर को फिजिकल स्ट्रेंथ भी मिलती है। सुवर्ण सिद्ध जल हमारी मेमोरी इम्प्रूव करता है, इंटेलिजेंस इम्प्रूव करता है, उसके अलावा जो कुछ हमें रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है। सुवर्ण सिद्ध जल सेवन करने से हमारे शरीर में कांति बढ़ती है, हमारे शरीर का ग्लो बढ़ता है, इस तरह अनेक उपयुक्त बेनिफिट सुवर्ण सिद्ध जल के शास्त्र में बताए हैं। तो इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का औचित्य साथ के आप डेली आपके घर में सुवर्ण सिद्ध जल का इस्तेमाल करिए और हेल्दी और दीर्घायु जीवन का आस्वाद लीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, हमने मोरे पब्लिकेशन ऐप पे मेडिकल लेक्चर सीरीज चालू की है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लिंक का इस्तेमाल करके आप मोरे पब्लिकेशन ऐप पे हमारे लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स सब एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स।